आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और वीडियोस को देखकर अपना पाठ समझिए और अभ्यास जहाँ करना है उसे अभ्यास को भी पूरा करिए। तो बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। चलिए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पाठ हमने खत्म कर लिया है, हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिया था। आज हम करेंगे हमारे पाठ का आखिरी अभ्यास जो है वाक्य बनाना। हर पाठ में हम शब्दों को लेकर वाक्य बनाते हैं, उसी प्रकार से इस पाठ के भी कुछ शब्दों को लेंगे और उनसे हम वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों इस पाठ का नाम है बहादुर भीम, पाठ 13 बहादुर भीम। तो चलिए बहादुर शब्द पर हम वाक्य बनाते हैं। तो बच्चों हमारा विषय है पहले वाक्य बनाओ, हम वो लिख लेते हैं। वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। उसके बाद पहला शब्द हमारा है बहादुर। वह इंसान जो निडर होता है, हर काम को बहादुरी से करता है, हर कभी डरता नहीं है किसी से और हर काम का बहादुरी से मुकाबला करता है और दूसरों की मदद में हमेशा मदद के लिए हमेशा, क्योंकि वो बलवान होता है, ताकतवर होता है और कमजोरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसे हम बहादुर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने भीम के बारे में पढ़ा और जाना कि बहादुर का मतलब क्या होता है। भीम भी बहादुर थे और अपनी बहादुरी की वजह से उन्होंने राक्षस को मार दिया और राक्षस को मारकर उन्होंने एक नहीं बल्कि पूरे गांव की मदद की थी। तो बच्चों इसी तरह से हम इस शब्द का वाक्य बनाएंगे। पहले तो हम वाक्य बना सकते हैं भीम बहुत बहादुर थे, मेरा दोस्त बहुत बहादुर है, मेरे दोस्त ने बहादुरी से चोरों का मुकाबला किया। अगर कभी किसी के घर में चोर घुस आए तो हम चोरों का मुकाबला अगर हम करते हैं डट करके, डरते नहीं है बल्कि उनका मुकाबला करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेरा दोस्त बहुत बहादुर है, उसके घर में चोर घुस गए तो उसने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। तो बहुत लंबा हो गया, थोड़ा हम छोटे में लिखेंगे, मेरा दोस्त बहुत बहादुर है, उसने चोरों का डट कर मुकाबला किया। उसके बाद मेरे दोस्त ने बहादुरी से पानी में डूबते हुए बच्चे को बचाया। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो एक आसान सा सिंपल सा हम वाक्य बनाएंगे, पाठ से संबंधित भी है, भीम बहुत बहादुर थे, मेरा दोस्त बहुत बहादुर है, ये भी आप कह सकते हो। भीम, लेकिन हम दोस्त के बारे में जानते नहीं हैं, थोड़ा सा अपरिचित लगेगा, लेकिन यहाँ भीम को हम जानते हैं, भीम बहुत बहादुर थे। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, भीम बहुत ब पे छोटे की मात्रा बुद्ध, ब हा द पे छोटे की मात्रा दुर, थे थ परे की मात्रा थे, भीम बहुत बहादुर थे। उसके बाद दूसरा शब्द है आश्चर्य। बच्चों आश्चर्य का मतलब क्या होता है? हैरान हो जाना, हैरानी। अब बच्चों हम हैरान कब होते हैं? हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में हमने सोचा ना हो, या अचानक से कोई काम हो जाए या अचानक से कोई घर आ जाए तो वहां हम हैरान हो जाते हैं, हम तो उसे हम कहेंगे आश्चर्य या आश्चर्यचकित होना। तो यहाँ पे अपने दोस्त को अचानक देखकर मैं हैरान रह गया, या फिर अपने घर के सामने एक बड़ा सा हाथी देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि हाथी भी हमेशा हमें देखने को नहीं मिलती। अगर कभी हमारे घर के सामने एक हाथी जाती हुई गुजरे या रोड पे हम हाथी देखें तो थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा हमें हाथी वगैरह देखने को नहीं मिलती है, या ऐसी कोई भी घटना हुई तो हम हैरान हो जाते हैं। अभी धूप थी, बारिश होने लगी तो हम हैरान हो गए। अचानक मेरे पापा आ गए, हम हैरान हो गए, आपके पापा कहीं दूर जॉब करते हैं, दूर रहते हैं और एकदम से अगर आ जाए तो आप कह सकते हो अचानक पापा आ गए तो हम हैरान हो गए। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो, हैरानी, हैरान होना यानी आश्चर्य होना। तो यहाँ पे अपने दोस्त को अचानक अपने घर देखकर मैं आश्चर्य हुआ, हम लिखेंगे। अगला हमारा शब्द है आश्चर्य, आश्चर्य
अपने दोस्त को अचानक अपने घर देखकर कर मैं आश्चर्य हो गया कर मैं आश्चर्य हो गया आश्चर्य रह गया हो गया हो गया आश्चर्य हो गया। तो ये है आश्चर्य। तो अपने दोस्त को अचानक अपने घर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य या आश्चर्य हो गया से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ज्यादा सही है। तो हम लिखेंगे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य चले हुआ आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पे हम आश्चर्य के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। तो ये पहले दो वाक्य है, बहादुर भीम बहुत बहादुर थे, आश्चर्य अपने दोस्त को अचानक अपने घर देखकर, घर छूट गया है, घर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आपका दोस्त आने वाला नहीं था लेकिन अचानक आपने घर आ जाता है तो आप कह सकते हैं अपने दोस्त को अचानक अपने घर देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उसके बाद भोजन, भोजन यानी खाना, भोजन मतलब खाना, भोजन भोजन। तो यहाँ पे हम भोजन का भी वाक्य बना सकते हैं, हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, हम सब भोजन खाते हैं और जिंदा रहने के लिए भोजन खाना जरूरी है, इस तरह के हम वाक्य बना सकते हैं। तो पशु पक्षी इंसान सब भोजन करते हैं और जिंदा रहने के लिए सभी को भोजन करना जरूरी है, और पेड़ अपना भोजन पत्तों में बनाते हैं, इस तरह के आप वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो हमें पौष्टिक मपर एक ही मात्रा में पौष्टिक हमें पौष्टिक भोजन 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 करना करना भोजन करना चाहिए। चौपरा की मात्रा और छोटी की मात्रा ई ए हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए या करना या खाना खाना चाहिए खा ना चाहिए हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। यहाँ लिखेंगे हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है अगला शब्द है हमारा गुस्सा। गुस्सा चूहा शेर को परेशान कर रहा था, शेर को गुस्सा आ गया। शेर सो रहा था और सोते हुए शेर को चूहा परेशान कर रहा था, शेर को गुस्सा आ गया। आपने कहानी सुनी चूहे और शेर वाली, जिसमें शेर सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था और चूहा उसे परेशान कर रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। अब मेरे दोस्त मेरी चीजें छूते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, मैं बदमाशी करता हूँ तो माँ को गुस्सा आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। हम पहले मिटाते हैं पहले वाले को, उम्मीद आपने कर लिया होगा। गुस्सा चार पे हम लिखेंगे गुस्सा, वाक्य छोटे की मात्रा आधा स और पूरा स गुस्सा। मैच के बीच में लाइट जाने से मुझे गुस्सा आ गया। मैच छोटी बहन ने मेरी गुड़िया तोड़ दी तो मुझे गुस्सा आ गया। तो बच्चों इसी तरह हम गुस्सा का भी वाक्य बनाएंगे कि मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे थे इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मेरे दोस्त मुझे
परेशान शान करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। मेरे दोस्त मुझे परेशान करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। अब गुस्सा को हम अंडरलाइन करेंगे। मेरे दोस्त मुझे परेशान करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। उसके बाद हमारे पास अगला है, मेरे दोस्त मुझे परेशान करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। तो बच्चों हम गुस्सा का वाक्य बना रहे थे, मेरे दोस्त मुझे परेशान करते हैं तो गुस्सा आता है, या फिर कोई मुझे परेशान करता है तो गुस्सा आता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है लड़ाई। लड़ाई 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 का भी हम बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई करने से दोनों का ही नुकसान होता है, चाहे लड़ने वाला हो, मतलब जो दो लोग लड़ रहे होते हैं या ढेर सारे लोग लड़ रहे हैं, दोनों का नुकसान होता है, तो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मेरा भाई मुझसे लड़ाई करता है, मेरे दोस्त मेरे से लड़ाई करते हैं, या मैं अपने दोस्तों से लड़ाई करता हूँ, तो इसका भी आप बहुत सारा वाक्य बना कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा वाक्य है हमें लड़ाई लड़ाई नहीं करनी चाहिए। च पर आ की मात्रा, अ पर छोटी की मात्रा, ई ए हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यह है लड़ाई। इस तरह से बच्चों हमने पाठ से वाक्य भी बना लिए कुछ शब्दों को लेकर के। इस तरह से हमने यह पाठ खत्म कर लिया है, हमने सारे अभ्यास इसमें कर लिए हैं। तो जो भी अभ्यास हमने इस पाठ में पढ़ा है, प्रश्न उत्तर आप क्लास को कॉपी में करेंगे, कठिन शब्द भी आप कर चुके हैं, और वाक्य बनाव भी आप अपनी क्लास को कॉपी में करेंगे, और शब्दार्थ भी क्लास को कॉपी में करेंगे। तो इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और वाक्य बनाओ अपनी क्लास को कॉपी में करेंगे, और बाकी जो अभ्यास हमने यहाँ पे किया है, यानी कि किताब में किया था, वो आप तो आपने आप सभी ने अपनी किताब में कर ही लिया होगा। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको पाठ जब पढ़ाया था, मैंने भीम के बारे में, अर्जुन के बारे में और युधिष्ठिर के बारे में बातें बताई थी कि ये पांडु के पुत्र हैं, ये सभी राजा पांडु के पुत्र थे, ये पांच पांडव थे। पांचों पांडव जो थे, जब इन्होंने युद्ध लड़ा था कौरवों से, युद्ध में हार गए थे, और हार करके उन्हें 14 साल का वनवास मिला था, और उस वनवास के दौरान ये जंगल में 14-13 साल तक जंगल में इधर उधर भटके, और भटकने के बाद जो 14वां साल यानी आखिरी साल था, उसमें हम अज्ञातवास करते हैं। जो भी वनवास जाते हैं, अज्ञातवास का मतलब होता है वह ऐसी व्यवस्था जहाँ पे हमें कोई, हम अपनी पहचान किसी को नहीं बताते हैं, बल्कि हम अपनी पहचान छुपा करके कहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पे भी जब ये 13 साल जंगल में बिता चुके थे इधर उधर भटक करके, 14वां साल इन्होंने अज्ञातवास में बिताया, और उसके बाद ये एक गांव में जाकर के रहे। गांव में जाकर के वहां पे एक ब्राह्मण के घर में रहे, और ब्राह्मण के घर में आप सभी जान रहे बच्चों, वो जाके जब रहने लगे तो उन्हें पता चला कि जो गांव है, गांव के पास जंगल है, जंगल में एक राक्षस रहता था जो पूरे गांव को परेशान किया करता था। वो हमेशा लोग कोई ना कोई हमेशा उसके लिए ढेर सारा भोजन और एक व्यक्ति जो उसके लिए खाना लेके जाता था, उसे राक्षस खा जाया करता था। तो कहानी यूं थी कि पहले जब राक्षस गांव में आता था तो गांव में आकर के कभी भी किसी को भी खा जाया करता था। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई इस तरह से तो हमें पता ही नहीं होता कब हमारी मौत है, कभी भी राक्षस आता है, 2 लोग 4 लोग को खा जाता है, इससे अच्छा हम उसके साथ समझौता करते हैं, क्योंकि ये लोग कमजोर थे, ये राक्षस का मुकाबला नहीं करने योग्य थे, इसीलिए कमजोर होने की वजह से उन्होंने राक्षस से बात की और कहा कि
बारी बारी से कोई भी एक व्यक्ति गांव का ढेर सारा भोजन लेकर के रोज आपके पास जाएगा और आप खा लेना। और इस तरह से राक्षस को भी आराम था, उसे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता था या फिर उसे गांव में आना नहीं पड़ता था, उसे अपने जहां वो रहता था वहीं पे उसे भोजन मिल जाता था। इसलिए इस तरह से बच्चों जो गांव वाले हैं राक्षस को मना लेते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि भीम राक्षस को मार नहीं देता। तो यहाँ पे भीम जो थे बहुत बहादुर थे, कद और काठी यानी कि अपने शरीर की बनावट भी उनकी ऐसे ही कुछ थे, बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे से थे, देख करके लगता था। तो बहादुर तो सारे ही भाई थे, बलवान थे और किसी न किसी विद्या जो युद्ध विद्या होती है उसमें वो कुशल थे, कोई तीरंदाजी में, कोई भाला चलाने में, कोई गदा चलाने में, और सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रबल थे यानी कि निपुण थे। तो बच्चों ये थी महाभारत की एक कहानी, मैंने आपको पहले भी बोला है आप और भी ऐसी कहानियों को पढ़ेंगे और एक दूसरे को सुना करके अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।